गुड मॉर्निंग क्लास, हमारा चैप्टर चल रहा है द इंटरनेट। ठीक है, तो सभी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्या सबको ये बात क्लियर है व्हाट इज द इंटरनेट, व्हाई यूज द इंटरनेट? ठीक है, मैंने इसके एडवांटेजेस लिखने के लिए आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने अपनी कॉपीज में आई होप लिख लिए होंगे। सो प्लीज़ मैं बार बार वही बात रिपीट करूँ, साथ साथ टीचर के साथ साथ क्लास में प्लीज़ आप रिकॉल भी करते रहे एंड साथ साथ आप जो मैं कह रही हूँ उस पर फोकस भी करें, सुने चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको चैप्टर के बीच जो क्वेश्चन आते हैं कभी टेस्ट में एग्जाम में तो आपको क्या है वो दिक्कत ना करे और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो द इंटरनेट हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज द इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टेलीफोन लाइंस, केबल्स एंड सैटेलाइट। सो इंटरनेट क्या होता है? एक वर्ल्ड वाइड हमारा एक नेटवर्क जिसके थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? या तो केबल्स के थ्रू हो सकती है, सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू हो सकती है। इट्स लाइक अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से हमारे पास लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती है, हर राइटर्स हर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो है आपके पास बुक्स होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन का भी वो हमारे पास एक स्टोर होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा नेटवर्क है इंटरनेट, वो भी क्या है, एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक के किसी भी वर्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑन द इंटरनेट यू कैन रीड द न्यूज़, आप इंटरनेट पर न्यूज़ जो है वो रीड कर सकते हो। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं आप उनको पे कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ईमेल्स को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, है ना। टेलीविजन जो है आप प्रोग्राम्स जो है आप वो देख सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, सो ये तो था व्हाट इज द इंटरनेट क्या होता है एंड यूजिंग अ वेब ब्राउजर। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था कि व्हाई यूज द इंटरनेट, हम क्यों यूज कर रहे हैं इंटरनेट को या करते हैं। सो द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इट लेट अस कंडक्ट रिसर्च एंड रिसीव फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस अ होम, शॉप फॉर सर्विसेज एंड सर्च फॉर अ जॉब। आप इसके थ्रू जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। डिस्प्ले वेदर एंड स्ट्रीट मैप, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको स्ट्रीट मैप शो हो जाएगा। ऑब्टेन मेडिकल एडवाइसेस, विच वॉच सॉरी मूवीज, लिसन टू म्यूजिक, टॉक विद पीपल्स वर्ल्ड वाइड एंड एंडलेस लिस्ट ऑफ थिंग्स, मतलब एंडलेस थिंग्स जो है आपकी लिस्ट से जो आप कर सकते हो। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्पैनिंग द ग्लोब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब हम बात करेंगे इस पे यूजिंग अ वेब ब्राउजर। In website and on web page okay.
ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोज़िला फायरफॉक्स। ओके, टू गो टू अ वेबसाइट यू नीड टू पुट इट्स एड्रेस इन टू द एड्रेस बार। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सबसे टॉप में क्या होता है, एड्रेस बार शो होता है। एड्रेस बार पर आपने वेबसाइट जो है जो भी आपको ओपन करनी है उसके ऊपर एड्रेस डालना है। एंड टू डू दिस क्लिक विद योर कर्सर एंड टाइप द एड्रेस डायरेक्टली इन टू द एड्रेस बार। ठीक है, अगर देर इज ऑलरेडी एंड एन एड्रेस इन द एड्रेस बार, अगर ऑलरेडी जो है एड्रेस बार पर कोई एड्रेस शो हो रहा है तो वो हाईलाइट हो रहा है, इट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सीधा क्या करना है, टाइप करते रहना। ओके, द न्यू एड्रेस विल स्टार्ट टू अपीयर, प्रेस द एंटर की टू गो टू द वेबसाइट। अ वेब ब्राउजर ऑल्सो हैज अ टूल बार, जो आपका वेब ब्राउजर होता है स्टूडेंट उसके उसका एक टूल बार होता है, और उस टूल बार पर क्या क्या शो होता है देखिए, उस टूल बार पर आपका इस तरीके से जो है ये होता है बैक, ये होता है आपका फॉरवर्ड, ये होता है आपका क्रॉस, रिफ्रेश, बटन, ये बटन होते हैं आपके। ओके, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, क्लोज, रिफ्रेश बटन, तो ये टूल बार है। ठीक है, इनको वन बाय वन करके हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले होम बटन को जो है वो देख लेते हैं। होम बटन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, होम। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, टू आप
ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड, यानी कि आगे लेके जाएगा। यू टू द नेक्स्ट पेज एट, यू टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा यूजिंग अ वेब ब्राउजर। तो जो हमारा वेब ब्राउजर होता है उसमें क्या होता है, टू टाइप्स के हमारे पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोज़िला फायरफॉक्स बताए गए, ठीक है। सो इन पे क्या होता है, इन पे आपके ही टूल्स होते हैं, जो हमने अभी नाम लिखे हैं ऊपर, इनको हम बोलते हैं टूल बार। जो ये आपके नाम है बच्चों, ये आपके नाम लिखे गए हैं, वो होता है टूल बार। टूल बार आपको पता है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। टूल बार, टूल बार पर जो ये बटन्स हैं, ठीक है, बैक बटन यानी कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड, क्लोज, रिफ्रेश, होम बटन एंड आपका जूम है, यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन है। होम बटन क्या करेगा, टेक यू टू द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वहां पर आपको लेके जाएगा। एंड बैकवर्ड, जैसे नाम से पता चल रहा है, इज यूज टू गो बैक टू अ पेज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, जो आप पेज छोड़कर आगे जा चुके हैं, कि बैक एक फर्स्ट स्टेप जो है आपका बैकवर्ड लेके जाएगा। एंड फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। रिफ्रेश क्या करता है, रिफ्रेश जो होता है वो आपके पेज को रिलोड एंड अपडेट करता है। हिस्ट्री, शो द लिस्ट ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज यू हैव ऑलरेडी, जो आप ओपन करके जा चुके हो आपको पूरी हिस्ट्री बता देता है। जो हिस्ट्री बटन होता है, आपने आपके जो इंटरनेट है, आपका जो वेब ब्राउजर है, आपने उसमें क्या क्या यूज किया है, वो आपको सारी डिटेल जो है आपको दे देता है, ठीक है। फटाफट से आप इसको उतारे।
What is the internet? Internet is a worldwide network of computers all connected to each other by telephone lines, cables and satellites. It's like a huge library of information. On the internet you can read the news, shop, send emails and watch television program and more. Using a web browser, the information on the internet is contained in website on web page. Two of the most popular browsers are Internet Explorer and Mozilla Firefox. ठीक है, अब जो है ये क्या करता है कि at the top of the browser you will find an address bar. To go to a website you need to put its address into the address bar. To do this, click with your cursor and type the address. ठीक है, आपने address को type किया. If there is already an address in the address bar, अगर already वहाँ पर कोई address है, click on it to highlight and start to type. आपको कुछ नहीं करना, आपको उस पर क्लिक करना है और टाइप करना स्टार्ट करना है. The new address will start to appear. तो new address क्या है, टाइप होना शुरू हो जाएगा. Press the enter key to go to the website. और आप enter key press करेंगे, website जो है वो open हो जाएगी. A web browser also has a toolbar. You use the toolbar button to move around website and update web page. Home, backward, forward, refresh, history and यहाँ पे क्या है, zoom button. Home. आपको फर्स्ट पेज पे लेके जाएगा वेबसाइट के. बैकवर्ड क्या करेगा, बैकवर्ड इज यूज टू गो बैक टू अ पेज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड. फॉरवर्ड आपको आगे लेके जाएगा वन पेज. रिफ्रेश रिलोड करता है और अपडेट करता है आपके पेज को. और हिस्ट्री, शो द लिस्ट ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड. यानी कि आप जो आप ऑप्शन है कोई वेबसाइट आपने जो आपने आपकी हिस्ट्री जो भी आपने यूज़ किया होगा वहाँ पे शो हो जाएगा. इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट इज एक्सेस बाय यूजिंग द इंटरनेट एप्लीकेशन कॉल्ड द ब्राउजर. क्या है इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है यूजिंग द इंटरनेट एप्लीकेशन, उसको क्या बोला जाता है, ब्राउजर बोला जाता है. A website is accessed by using the website address called the URL. Important बात है क्या, जो websites है आप website का जो address use कर रहे हो उसको बोला जाता है URL. ठीक है, और
यूनिफॉर्म, रिसोर्स, लोकेटर। कॉपी में इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म क्या होती है? URL। URL किसको बोलते हैं? जो आप वेबसाइट का एड्रेस यूज कर रहे हो उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट इज एक्सेस बाय यूजिंग द इंटरनेट एप्लीकेशन कॉल्ड द ब्राउजर। अ वेबसाइट इज एक्सेस बाय यूजिंग द वेबसाइट एड्रेस कॉल्ड द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यूजिंग अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर पर टूल्स कौन कौन से होते हैं?
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।